subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to the Exams and YouTube channel सोच जीतने की। आज मैं आप लोग को idioms and phrases का part 13 कराने वाला हूँ। Part 12 मैंने इससे पहले करा चुका हूँ, यानी मैंने 60 idioms and phrases मैंने आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हर एक पार्ट में 5 करके बता रहा हूँ, तो 12 पार्ट में मैंने 5 करके बताया, यानी 60 idioms and phrases बता दिए हैं, यानी 5 मिनट में मैं 5 idioms and phrases मैं आपको याद करा रहा हूँ। और ये CGL MTS में पूछा जाता है, बैंक क्लर्क PO में भी आता है और स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आता है। और ये रहा मैं, और ये मेरे एग्जाम से ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मैं आपको पहले idioms and phrases की तरफ मूव कराता हूँ और पहले idioms and phrases देखता हूँ। तो पहले idioms and phrases जो है वो जो कि 61 नंबर का है वो है टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांसेस, यानी किसी से अचानक मिलना, किसी से सहयोग से मिल जाना, उसको बोलते हैं हम लोग टू रन अक्रॉस। यानी अगर कहीं जा रहे हैं तो एक तरह किसी से मिल गए तो उसमें बोलेंगे रन अक्रॉस हो गया। यानी टू मीट समबडी, किसी से अचानक मिलना या किसी को अचानक पा जाना, किसी को बाय चांस अचानक, तो उसे हम लोग बोलेंगे टू रन अक्रॉस। एग्जांपल देख लीजिएगा, आई रैन अक्रॉस सेवरल ओल्ड फ्रेंड्स, मैंने जो है बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिला। कब? जब मैं वेंट बैक टू माई होम टाउन, जब मैं अपने घर की टाउन की तरफ, घर के शहर जहाँ मेरा जो होम टाउन है उसकी तरफ जब मैं आ रहा था, तो बहुत सारे ओल्ड फ्रेंड से मेरी मुलाकात हुई, बाई चांस अचानक मुलाकात हो गई। दूसरी मूव की तरह दूसरी तरफ मूव करते हैं, दूसरे idioms की तरफ, जो कि हमारा टू गेट वंस बैक। टू गेट्स वन बैक का मतलब होता है बदला लेना, यानी किसी अनप्लीजेंट या किसी भी आप जो है जो आपके अंदर में भावना, मतलब एक तरह का बदला का भावना है, उससे आप बदला लेना, चांस देखकर, मौका देखकर आप कभी बदला ले सकते हैं। यानी अगर आपको कोई बचपना हमारा हो तो आप बाद में बदला ले सकते हैं, अगर कोई आपको जॉब से हटा दिया तो उसका बदला ले सकते हैं, कहीं अगर आप किसी भी तरह का आपको सिचुएशन अगर आया लाइफ में हुआ तो उसका बदला लेना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, यानी आप कोई गलत चीज करना, बिकॉज दे हैव समथिंग अनप्लीजेंट टू यू, क्योंकि वो आपके साथ में गलत चीज किया था इसलिए आप भी उसके साथ में गलत चीज कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि दोस्त आपके साथ में मजाक किया है तो दूसरे दिन आप भी उसके साथ में उसी तरह का मजाक करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वन वर्ड्स में वो हो जाएगा रिवेंज, बदला लेना। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही फाइनली शाओ, उसे आखिरकार एक चांस मिल ही गया टू गेट हिज ओन बैक, बदला लेने का, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने 63 नंबर के idioms and phrases देखते हैं। 63 नंबर के idioms and phrases देखिए, लिखा हुआ है टू स्टीर क्लियर ऑफ। स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब होता है कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें आप हड़बड़ा कर भागना या उसे जो है उससे दूर होना, ठीक है। कोई आपको सिचुएशन लग रहा है कि आप वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर हम उस लड़ाई झगड़े में, अगर लड़ाई झगड़ा ना भी करते हैं, अगर उस लड़ाई झगड़े में जाते हैं तो हो सकते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाए, मेरा भी नाम आ जाए। आजकल बहुत सारा ऐसा मामला आपको देखने मिले जहाँ राइट्स वगैरह होता है, अगर वहाँ पर पब्लिक नजर आ जाए तो उसको भी पकड़ लिया जाता है, उसको जेल के अंदर भर दिया जाता है। तो ठीक है, कहीं मर्डर हुआ है, कहीं झगड़ा हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं आप, मतलब तो भी आपको पकड़ कर लेके जाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि वो स्टीर क्लियर ऑफ, मतलब वैसा सिचुएशन देखकर आपको वहां से अवॉइड कर जाना या वहां से भाग जाना। टू अवॉइड समवन, किसी को भी, किसी को अवॉइड करना, किसी को या किसी चीज़ को अवॉइड करना, डैट सीम अनप्लीजेंट, वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं होता हो या डेंजरस हो और जो कि आपको खतरा के कारण बन सकता है, उसको टाल देना या उससे बचना, इससे दूर रहना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमेशा जो है पॉलिटिक्स से दूर रहना, ये आपको मुसीबत में डाल सकता है, ठीक है। तो वही, तो इसके एग्जांपल देख लीजिए, आवर पॉलिटिशियन स्पीच, हमारा जो आजकल पॉलिटिशियन का जो भाषा हो रहा है उसका बहुत स्तर नीचे गिर चुका है, यहाँ तक कि स्टीर क्लियर ऑफ कंट्रोवर्शियल इशू, हमेशा जो है कंट्रोवर्शियल उसकी भाषा से निकलती है, उसकी तकरीर से निकलती है, उसकी स्पीच से हमेशा पॉलिटिशियन के एक दूसरे से टकराव होते रहता है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय, एक मजहब से दूसरे मजहब, एक दल से दूसरे दल से हमेशा जो है टकराव होते रहता है। आगे बढ़ते हैं और अपना जो है 64 नंबर का idioms and phrases देखते हैं। 64 नंबर का idioms and phrases है टू बीट आर रिट्रीट, यानी आपको कोई ऐसा अंदेशा हो रहा है कि आने वाला सिचुएशन आपके लिए सही नहीं हो सकता, इसलिए वो आप जो है उस जगह को, प्लेस को छोड़कर चले जाना, ठीक है। यानी हड़बड़ी में भाग जाना, इस तरह का सिचुएशन को बोलते हैं टू बीट आर रिट्रीट। जैसे कि अगर होता है कि जैसे कि देखते हैं कि वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले ही हम भाग जाते हैं, इस तरह का कोई भी सिचुएशन अगर देखते हैं तो उस तरीके से वहाँ से हम निकल जाते हैं, तो उसी बोलते हैं टू बीट आर रिट्रीट। मीनिंग होता है टू रन अवे फ्रॉम अ डेंजरस और अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी किसी तरह का डेंजरस या किसी तरह का कुछ खराब होने वाला है उस सिचुएशन से पहले ही आप उस जगह को अवॉइड कर जाना, वहाँ से रन अवे भाग जाना, यानी हड़बड़ाकर भाग जाना, जिसकी हिंदी जो है मीनिंग होती है टू बीट आर रिट्रीट की, हड़बड़ाकर भाग जाना। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब जैसे रेन स्टार्ट होने वाला है, एवरीवन ऑन द फील्ड, मैदान में जितने भी कोई थे सब जो है बीट अ रिट्रीट इंडोर्स, जो है एक
छुपने वाले जगह पर पहुंच गया, यानी भाग गया वहां से, ठीक है, बारिश जब स्टार्ट होने वाली थी। तो आखिर वाला जो हम लोग ईडियम सर्फेसेस देखते हैं वो है 65 नंबर के ईडियम सर्फेसेस, और ये हमारा आखिरी ईडियम सर्फेसेस है इस पार्ट का, यानी पार्ट नंबर 13 का, जिसमें लिखा हुआ टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है कि जो भी दुनिया में अभी मौजूद नहीं है या मौजूद है तो उसके बारे में हम लोग उसका यूजेस नहीं जानते, उसका इस्तेमाल नहीं जानते, उसी चीज को अगर कोई चीज लेकर के आया है, उसे कोई डिस्कवर किया है या कोई इन्वेंट किया है, उसे हम लोग बोलते हैं टू ब्लेज अ ट्रेल, ठीक है, यानी टू डू समथिंग दैट हैज नेवर बी डन बिफोर, इससे पहले इसे कोई नहीं किया हो या इस दुनिया में ना हो या दुनिया में हो उसके बारे में कोई जानता नहीं हो। टू डिस्कवर समथिंग, इसका अगर वन वर्ड्स में जो मीनिंग देखा जाए तो डिस्कवर समथिंग, किसी नई चीज को लाना या कोई नई राह दिखाना। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब पुर्तगाल से जब वहाँ से आया था तो पुर्तगाल जो है, पुर्तगीज जो है वो एक नई राह दिखाया था इंडिया की तरफ, नहीं आने, यानी केप ऑफ गुड होप से लेकर जो है पूरा रास्ता जो तय किया था उस, ठीक है। अब बहुत सारे बोलते हैं कि सिल्क रूट जो है वो इस तरह का एक नेम टू ब्लेज अ ट्रेल है, किसी तरह का डिस्कवर हो जाना टू ब्लेज अ ट्रेल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडियन साइंटिस्ट जो हमारे हिंदुस्तान के जो बहादुर साइंटिस्ट है, जो कोविड वॉरियर है, विल ब्लेज अ ट्रेल, बहुत ही जल्द एक नई राह दिखाने वाला है फॉर प्रिवेंटिंग कोरोना वायरस से बचाने के लिए इन द एंड ऑफ 2020, यानी 2020 के एंड में हम लोग जो है इसकी वैक्सीनेशन हम लोग देख सकते हैं। इंडियन साइंटिस्ट जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो डिस्कवर कर सकते हैं, वो टू ब्लेज अ ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा 5 सब और उसका ईडियम सर्फेसेस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ईडियम सर्फेसेस आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल एग्जाम सेनेप को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जाने दीजिए, बाय बाय।